हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग का जो बहुत बड़ा टेंशन है बच्चों, मैथ्स, ठीक है, जो हम लोग का सेमेस्टर टू में मैथ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस जो कॉमन पेपर है बच्चों, उसका पूरा MCQ आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग को पूरा MCQ बुक का कहाँ मिलेगा और किस प्रकार से रिवाइज होगा पूरा वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करें। देखिए बच्चों, आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जैसे आप लोग फर्स्ट नंबर देख रहे हैं कि 5, 8, 11, 16, 15 का मीन क्या होगा, या तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड क्लास इंटरवल शुड बी एक्सक्लूसिव, अनइक्वल, इक्वल, ऑल पॉसिबल, या तो फिर अर्थमेटिक मीन एंड एवरेज क्या सेम होता है क्या, या तो बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन होता है क्या, या तो फिर बच्चों इस तरह का क्वेश्चन से विच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, जो भी आप लोग बच्चों क्वेश्चन ये देख रहे वो आप लोग स्क्रीन पर, इसी प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मीन में आता है और इसी तरह बहुत सारा जो आप लोग का लेसन है बच्चों, आप लोग का मैथ्स में इसी प्रकार का MCQ पूछा जाएगा, क्योंकि जो बुक बाजार में गेस्ट पेपर या जो भी आया है बच्चों, वो अभी क्या आया है, सब्जेक्टिव में आया है। बाद में BBMQ ने क्या डिक्लेयर किया कि नहीं, हम इसको क्या लेंगे, इसका जो एग्जाम है बच्चों क्या लेंगे, MCQ लेंगे। तो आप लोग को पूरा, ठीक है बच्चों, आप लोग को पूरा MCQ जो मैथ्स का पूरा MCQ बच्चों, वो मात्र आप लोग को 199 में, ठीक है, जिसमें से अभी मीन का हम उसमें अपलोड कर चुके हैं आंसर के साथ, ठीक है बच्चों, हम सब PDF और वीडियो दोनों रहेगा बच्चों, समझाया हुआ भी रहेगा, ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें वीडियो भी रहेगा जो समझा के बनाया भी रहेगा और PDF भी रहेगा और कभी भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, तो हम लिंक बच्चों आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके कोर्स को परचेज कर लिए, बहुत ही चीप एंड बेस्ट कोर्स कॉस्ट में रखा गया, मेहनत के अनुसार बहुत कम कॉस्ट रखा गया बच्चों, जाके आप लोग इतना तो आप लोग अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं बच्चों। तो चलिए जाइए और आराम से पहले इसको क्या कीजिए, परचेज कर लीजिए, इसका आंसर भी बच्चों उसमें मिल जाएगा और आने वाले समय में जो आप लोग का 10 से 12 दिन जो भी एग्जाम में बचा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर उस पर बात किया जाएगा, ये आप लोग का मैथ्स के बारे में, और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो भी अपलोड किया जाएगा।